नमस्कार, इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। शराब नीति पर घिरे मनीष सिसोदिया की अब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। गृह मंत्रालय ने अब मनीष सिसोदिया पर जासूसी मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने फीडबैक यूनिट के जरिए लोगों की जासूसी कराई। गृह मंत्रालय ने सिसोदिया और अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के और जांच करने के आदेश दिए हैं। कुछ दिन पहले सीबीआई ने इस बात की मांग भी की थी कि इस जासूसी मामले में इनकी जांच करने के आदेश दिए जाएं। मनीष सिसोदिया शराब नीति पर पहले से ही सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया का दिल्ली सरकार में एक अलग रसूख है। सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं। मनीष सिसोदिया मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। उनके पास शिक्षा, उच्च शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास, स्थानीय निकाय, भूमि एवं भवन तथा रेवेन्यू जैसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आज एक तरफ आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आई कि कोर्ट ने आदेश दिए, जैसा कि उन्होंने मांग भी की थी, कि दिल्ली में मेयर का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए और मनोनीत सदस्य उसमें वोट ना करें। ऐसा हुआ भी, लेकिन दूसरी तरफ ये खबर भी आई कि उन पर जासूसी मामले में अब जाँच होगी। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की और उसके मंत्रियों ने मोटा पैसा कमाया। इस नीति में शराब के न्यूनतम मूल्य तय कर दिए गए थे, जिससे अधिक मूल्य पर शराब नहीं बेची जा सकती थी। इसके बाद दिल्ली के शराब कारोबारियों में कंपटीशन बढ़ गया और उन्होंने ग्राहकों को भारी डिस्काउंट दिए। इस मामले में सीबीआई ने घोटाले के आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया। जब ये स्कीम लागू हुई थी, तब दिल्ली में शराब के रेट ना सिर्फ बहुत कम हो गए थे, बल्कि एक पर एक फ्री की भी स्कीम चल रही थी। शराब पर 40% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा था। इससे ग्राहकों की तो लॉटरी लग गई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया बुरी तरह फंस गए। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को डबल जांच का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।